हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्म हासिल करो आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ शॉपिंग से रिलेटेड सेंटेंस सीखेंगे। जी हाँ, शॉपिंग करना किसे पसंद नहीं है, लेकिन वो भी अगर जेब इजाजत दे तो। तो अगर आप भी अक्सर उकास शॉपिंग के लिए जाते रहते हैं और इंग्लिश सीखने के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला सेंटेंस है, आज हमें शॉपिंग के लिए जाना है, तैयार रहना। इंग्लिश में कहेंगे, वी हैव टू गो फॉर ए शॉपिंग टुडे। बी रेडी। वी हैव टू गो फॉर ए शॉपिंग टुडे। बी रेडी। तुम्हारा पर्स कहाँ है? वेयर इज योर पर्स। वेयर इज योर पर्स। पर्स को वॉलेट भी कहते हैं। वेयर इज योर वॉलेट। ईद के दिनों में बाजार में लोगों का बहुत रश होता है। इंग्लिश में हम कहेंगे, देयर इज मच रश ऑफ पीपल इन बाजार इन ईद डेज। देयर इज मच रश ऑफ पीपल इन बाजार इन ईद डेज। हम किस दिन शॉपिंग करने जाएंगे? विच डे शैल वी गो फॉर ए शॉपिंग। विच डे शैल वी गो फॉर ए शॉपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम छुट्टी के दिन शॉपिंग के लिए जाएंगे। इंग्लिश में आप कहेंगे, वील गो फॉर ए शॉपिंग ऑन हॉलीडे। वील Go for a shopping on holiday। उसे मुश्किल से ही कोई चीज पसंद आती है। जी हाँ, कुछ लोग होते हैं जो सारा बाजार घूम लेते हैं और मुश्किल से ही उन्हें कोई चीज पसंद आती है। इंग्लिश में हम कहेंगे, He hardly likes something। He hardly likes something। हमें खरीदारी में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इट वॉन्ट टेक अस लॉन्ग इन शॉपिंग। इट वॉन्ट टेक अस लॉन्ग इन शॉपिंग। तुम्हें क्या खरीदना है? व्हाट डू यू वॉन्ट टू बाय। व्हाट डू यू वॉन्ट टू बाय। बाजार में लोगों का रश होता है, मास्क लगाना मत भूलना। देर इज अ रश ऑफ पीपल इन द बाजार, सो डोंट फॉरगेट टू वेयर द मास्क। देर इज अ रश ऑफ पीपल इन द बाजार, सो डोंट फॉरगेट टू वेयर द मास्क। मुझे दो सूट और एक सैंडल खरीदनी है। I have to buy two suits and a sandal. I have to buy two suits and a sandal. तुम्हारे कपड़े महंगे हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे, Your clothes are expensive. Your clothes are expensive. क्या तुम्हारे जूतों का साइज ठीक है? Have you the right fit pair of shoes size? Have you the right fit pair of shoes size? ये जूता मुझे थोड़ा सा तंग लग रहा है। इंग्लिश में आप कहेंगे, This shoe is feeling a little bit tight to me. This shoe is feeling a little bit tight to me. हमारा next sentence है, क्या तुमने देखकर जूता नहीं खरीदा? Didn't you check the shoes before buying? Didn't you check the shoes before buying? दुकानदार का इतबार नहीं करना चाहिए।
डोंट ट्रस्ट द शॉपकीपर, डोंट ट्रस्ट द शॉपकीपर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। इंग्लिश में आप कहेंगे यू शुड यूज योर ओन विट, यू शुड यूज योर ओन विट। कोई भी चीज हमेशा अच्छी तरह देखकर खरीदनी चाहिए। ऑलवेज बाय समथिंग आफ्टर चेकिंग थॉरली, ऑलवेज बाय समथिंग आफ्टर चेकिंग थॉरली। कपड़ा सस्ता हो गया है, द क्लॉथ हैज कम डाउन, द क्लॉथ हैज कम डाउन। मैं आज बच्चों को खरीदारी के लिए लेकर जा रहा हूं, आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू शॉपिंग टूडे, आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू शॉपिंग टूडे। ये ड्रेस कितने का है, हाउ मच डज दिस ड्रेस कॉस्ट, हाउ मच डज दिस ड्रेस कॉस्ट। ये सूट बहुत खूबसूरत है, कहां से खरीदा, दिस सूट इज वेरी ब्यूटिफुल, वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम, दिस सूट इज वेरी ब्यूटिफुल, वेयर डिड यू बाय इट फ्रॉम। आप ज्यादा कीमत लगा रहे हैं, यू आर ओवर चार्जिंग, यू आर ओवर चार्जिंग। क्या इस पे कुछ पैसे कम हो सकते हैं, इंग्लिश में आप कहेंगे इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस, इज देयर एनी डिस्काउंट ऑन दिस। वो अपने पैसे बेजा खर्च करती है, शी स्पेंड्स हर मनी लैविशली, शी स्पेंड्स हर मनी लैविशली। मैंने इस ईद पर कुछ नहीं खरीदा है, आई हैव नॉट बॉट एनीथिंग ऑन दिस ईद, आई हैव नॉट बॉट एनीथिंग ऑन दिस ईद। मैंने इस बार अपनी पसंद की शॉपिंग की है, इंग्लिश में आप कहेंगे आई हैव डन शॉपिंग ऑफ माई ओन चॉइस दिस टाइम, I have done shopping of my own choice this time. हमारा next sentence है, उसे अपनी खरीदी हुई चीज पसंद नहीं आती। She doesn't like her own shopping. She doesn't like her own shopping. उसने हमें सारा बाजार घुमाया लेकिन कुछ ना खरीदा। इंग्लिश में आप कहेंगे शी टुक अस राउंड टू द होल बाजार बट डिडंट बाय एनीथिंग, शी टुक अस राउंड टू द होल बाजार बट डिडंट बाय एनीथिंग। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे मुश्किल से ही कुछ पसंद आता है, शी हार्डली लाइक्स समथिंग, शी हार्डली Likes something। अगर आप भी कोई ऐसे हैं जिन्हें मुश्किल से ही कुछ पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर कीजिएगा। आज तो तुमने मुझे थका दिया है, यू हैव मेड मी एग्जॉस्टेड टूडे, यू हैव मेड मी एग्जॉस्टेड टूडे। क्या तुम्हें पूरी मार्केट घूमना पसंद है, Do you like making round to the whole market? Do you like making round to the whole market? खुदा का शुक्र है तुम्हें कुछ तो पसंद आया। Thank God, at least you like something. At least you like something.
वो नया मोबाइल लेने का सोच रहा है। ही इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू मोबाइल फोन। ही इज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू मोबाइल फोन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हैव अ हैप्पी डे और इवनिंग देयर।